की। भाइयों, ये जो कैसेट है शरण कुमार की, कृष्णा रिकॉर्डिंग झूला झूले, इसमें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सभी प्रेम से इस कथा को सुने। ये अयोध्या नगरी भारी, भाई गुण गावे संसारी। गले ब्राह्मण हितकारी, गुण गावे संसारी, गुण गावे संसारी। ये अयोध्या नगरी भारी, अरे गुण गावे संसारी। गुरुदेव भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। अयोध्या नगरी के पास में चंपावती नगरी है, मोदगल्ले ब्राह्मण रहते हैं। एक परिवार ब्रह्मा ब्राह्मण को नाउचो शांतनु ऋषि, और वहां की नारी को नाउचो ज्ञानवती। अन्न धन का भंडार भरया रे, गाया रे बांसा मोकड़ी। अन्न धन का भंडार भरया रे, अन्न धन का भंडार भरया रे, गाया बांसा मोकड़ी। सत्यनारायण की खता बचावे, सत्यनारायण की खता बचावे, अन्न बांटे रे मोकड़ा। बना तो जग अंधियारो, औलाद बना तो जग अंधियारो, अरे ऊंचा भरिया भंडार रे। मेल मार क्या काई काम का, मेल मार क्या काई काम का, झूठो यो संसार रे। अरे चांद बिना या रात सो,
सोनी, चांद बिना या रात सोनी, पति बिना जैसे नारी रे। सरवरिया की पाल पे देखो, अरे सरवर मनीर नहीं आवे रे, वह सरवर है किसे काम का, अरे घनत साया जावे रे। अनजन का भंडार भरिया गया भाषा मोकली, ब्राह्मण शांतनु ऋषि मीना की मीना रोज, मीना की मीना खता करावे सत्य नारायण भगवान की। उ खता में मीठा दूध की खीर बनावे, पूरी बस्ती का ने खुआवे। चंपावती गांव की भीला के एक बाई, वह खीर को धूंदो लेकर के गई। उनको पति बोलो तू रात भर खटे छी, वह खेरी है शांतनु बाबा के सत्यनारायण भगवान के खता सुन के आई हूं। कई में कई लई है, इनके मायने तो खीर भरी है। तने शर्म कोने आवे तिरिया, जी के औलाद कोने, वहां को अन्न खावो नरका को भंडार है। जी के औलाद कोने, वहां के मुंडो देखबा को धर्म कोने, मुंडो देखबा को धर्म छोड़, वहां को पानी भी पीवा तो आछो कोन। चले जा पाछी ई खीर का दूंदा ने पाछो मेलिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठा दरवाजा पे, वह भीला गई बाई खीर को दूंदो लेकर के गई। शांतनु बाबा क्योगी ने पाछो क्यों लाई है, के मारा पति नट गया, आपको औलाद को न आपको प्रसाद खा वो झिरकार है। ईजी बात मरबो आछो, ईजी बात मरबो आछो, सुन ले तिरिया बात रे। आप दोने चाला गंगा में डूबला मझधार, आप दोने चाला गंगा में डूबला मझधार। अनजन का भंडार भरिया रे ये काई काम का, ऊंचा ऊंचा महल बनाया ये काई काम का, ऊंचा ऊंचा महल बनाया ये काई काम का। ब्राह्मण ब्राह्मणी भाग्या जावे, अरे ब्राह्मण ब्राह्मणी भाग्या जावे, सरयू के किनारे आ गया। चाल मारी ब्राह्मणी सरयू के किनारे, ऐसा वचन सुना दिया। राम नाम स्वासा में रट लो, राम नाम स्वासा में रट लो, वही उतारे पेली पार रे। राम सब बिजस का मुख से निकले, आनंद का भंडार रे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू के किनारे चले गया। किनारा पे खड़ा ठंडी ठंडी पहुना चादरी दन थोड़ो रह गयू।
सरयू नदी आटू पाट बह रही, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर भगवान की पूजा करे तो कैलाशपति भोलानाथ की पलक खुल गई, पार्वती भी जा गई। पार्वती केरी दाता, हे पति देव, अगर आपकी भक्ति करबाला खत्म हो रहा छे तो आपकी भक्ति के दाग लग जाओ लो। कैलाश भोलानाथ सरयू में आसन लगा लियो, कैलाश में भोलानाथ सरयू में आसन लगा लियो। पार्वती भी बैठ गई आसन लगा के, ऐसे मन में ठान लियो। जल में जाकर के महादेव महाराज और माता पार्वती बैठ गया। अरे ब्राह्मण गंगा में कूद गए और साथ में ब्राह्मणी भी कूद गई, झेल लिया भोलानाथ। दोनों ने माता पार्वती ज्ञान देवी को हाथों में उठा ली और ब्राह्मण को महादेव जी महाराज वह हाथों में झेल लियो के क्यों मरिया हो। किनारा पे लाके वहां सुहाणिया कहीं चावे के माने एक चीज दे दो प्रभु। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कह रिया, महादेव जी महाराज कह रिया कई चीज। महादेव जी कह रिया कैलाश को राज मांग ले, चाहे ब्रह्म लोक को राज मांग ले, चाहे विष्णु लोक को राज मांग ले, लेकिन एक औलाद मत मांगना। कैलाश को राज मांग ले, ब्रह्म लोक को राज मांग ले, विष्णु लोक को राज मांग ले, लेकिन एक औलाद मत मांगना। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहीं के रहा दे दे रे दे दे मन एक लटोरियो दे दे हे दे दे रे दे दे मन एक लटोरियो दे दे भगवान की। भगवान के रिया बालक हो जाओ लो, अति तो बालक हो लो, अरे ठीठे दोनी जनाए आंदा आंदी हो जाओ ला। हे भगवान में ऐसी काई करनी करी, तो भगवान के रिया राजा तू अगला जन्म केंद्र के राजा था, शिकार खेलने गया था, एक गर्भवती हरणी के तूने बाण की मार दी थी,
उसके बाण लगा तो उसके बच्चे गर्भ से निकले तो वह खुद अंधी हो गई थी और हरण भी अंधा। हरण और हरणी दोनों अंधा अंधी हो गया तो हरणी का मुख से निकलेगा कि जा राजा तू भी अगला जन्म में तेरी औलाद की सूरत नहीं देखेगा। तो ये शराब है उनका। ब्राह्मण ब्राह्मणी केरिया दे दे माने एक औलाद। नौमीना के माई ने सू ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। उस बालक का नाम देखो दुनिया में श्रवण हो गया। उसका नाम श्रवण पड़ गया। पांचों कपड़ा 21 मोरा पंडितों को विदाई में दी और पांच बरस को हो और श्रवण आंगनिया में खेल रे। पांच बरस को हो और श्रवण आंगनिया में खेल रे। को हो यो श्रवण अड़ा गड़ा में खेल रे। 16 वर्ष को हो यो श्रवण गाया चरा बचावे रे। 16 वर्ष को हो यो श्रवण गाया चरा बचावे रे। हो जो श्रवण अंधा माता पिता ने मीठा दूध की खीर खुआवे खुद भी खावे और अपना माता पिता ने भी खुआवे श्रवण। मेगा खेड़ी के मायने पारी ब्राह्मणा की लड़की सुशीला की साथ में श्रवण की शादी हो गई। घर की लुगाई आई श्रवण के घराली आई देखे तो लांबो घूंघटो खाड मिलो। आप जानो छो के पहली फोद बीननी आवे जोठो घूंघटो रेवे दूसरी बार आवे जोठो घूंघटो आ जावे छोटी बार घूंघ आवे बीननी होठ खडवा दे और पांच ही बार में तो उठे हो जाओ अब देखे तो डोली पड़वा दे। शरण की गराली केरी मीठा दूध की खीर ये दोनी जनाई खाओ और गये मारो पति चराओ। आज खुमारा के जासू और दो पड़त की हांडी ल्यासू। दो पड़त की हांडी लेकर के आई एक पड़त में तो मीठी खीर वा खा ले और अपना पति ने खुआ दे और खाटी खीर दोनी अंधा अंधिया ने खुआओ। शरण को पता नहीं था भाई मेरे माता पिता की साथ में ये घात हो रहा है। जन श्रवण की घराली खीर लेकर के गई अपना पति से बोली के लो खीर खा लो। श्रवण कह रहे मैं गाय न ताड़ियो वो गाय न ताड़बा को नाव करके और गांव में आ गयो
माता पिता रोटी खारिया खीर खारिया जो शरण खेरियो के एक एक गास मने भी दे। माता पिता ने मन में सोचा के बंदी बुआरी लाख की खुल गई तो खाक की। माँ की आंगलिया चाट जोर देखो श्रवण लाल, खाटी खीर निखर गई वावारे दाता। कतरा गदनो या मात पिताओ या खाटी खीर खाता के बेटा 3 साल हो गया खाटी खीर खाता, क्योंकि अगर बार बाण बात चल जाती तो यो घर नहीं बसतो। क्योंकि रावण क्यों मरियो, अगर घर को भेदी भेद नहीं बताते तो रावण नहीं मरतो। तो बेटा मैं ख्यान बताऊं, कर जो छड़ गयो मात पिताओ इन्हें ख्यान उतारूला, साची साचे के तुम्हारा मात पिता क्या ही नाम से बातूला। अरे चार धाम की यात्रा करा दे सुन ले श्रवण लाल रे, लकड़ी की एक कावड़ बना ले ढलती माँ जल रात रे, लकड़ी की एक कावड़ बना ले ढलती माँ जल रात रे। उठे बोला यात्रा करा दे मारा लाल रे, हरि ओ शंकर भगवान की। बेटा माने यात्रा करा दे, लकड़ी की कावड़ बना ली और दया पादड़ा में पिता ने बया पादड़ा में माने ले, माता पिता ने ले कावड़ ने कांधा पे धर के शरण वहां से चल दिया। चार धाम की यात्रा कर के शरण आ रहा था अयोध्या से 7 किलोमीटर अरण्य कांड बन है वहां पे शरण के माता पिता शरण से कह रहे थोड़ो पानी पिला दे रे मारा लाल, पिला दे मारा लाल हे बनी मर बेरने प्यास लगी। पनी
बेटा मन पानी पिला के श्रवण केरियो माता पिताऊ न को न कोई बावड़ी न सागर तालाब बारह कोस उजाड़ बनी में पानी नजर नहीं आई खड़ा लो पानी के बेटा चार धाम की यात्रा के दाग लाग जाओ लो। अरे ले तुम भी सरवण चलो रे भाई धरती मा चल रात भाई भाई धरती मा चल रात ले तुम भी सरवण चलो रे भाई धरती मा चल रात रे रे धरती मा चल रात पानी की एक नाटी पाई पानी की एक नाटी पाई तो देने रे डुबोले अरे देने रे डुबोले बनी मैं बेरने प्यास लगे अयोध्या को राजा दशरथ बाण तान करके बैठो भाई कोई हरण सांबर चीता खरगोश पानी भरने आएगा उसके बाण की मारूंगा पानी पीने आएगा मारूंगा। अरे तू भी को भबे को सुन रे भाई दशरथ छोड़ो बाण रे रे दशरथ छोड़ बाण छुटत बन शरवण कर लाजो छुटत बन शरवण कर लाजो हो जो करे डर पार बनी मैं बेरने प्यार से लगी राजा दशरथ श्रवण खलखल तुम भी झकोड़ दियो तो दशरथ बाण की मार दी बाण श्रवण की छाती में लग चुको तो हाथ से तुम भी छूट गई श्रवण का मुख से निकला हाय राम हाय राम हाय राम। अरे राम नाम की धुन सुन रे भाई दशरथ तोड़ा आये रे 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 दशरथ तोड़ा आये हे राम नाम की धुन सुन रे भाई दशरथ तोड़ा आये भाई मारा दशरथ तोड़ा आये मारा बाण से यो कुल मर जो केरो दुखड़ो छाये तोड़ो पानी पिला दे मारा लाल पिला दे मारा लाल बनी मैं बेरने प्यार से लगी है ओ दशरथ दौड़ करके आता है सरवर के पहाड़ पे जड़ में जाता है शरण की लाश को कंधे पे पटक के बाहर लाता है देखता है कहे राम या तुम्हारी राखी डोरा की जो बहन थी ज्ञान देवी उसका पुत्र खत्म हो गया। शरण के थोड़ा सा प्राण बाकी कहीं के जो शरण मरने का कोई गम नहीं मामा नाशवान संसार मरने का कोई गम नहीं मामा नाशवान संसार आया है सो जाएगा ये जगत व्यवहार। मामा मरने का कोई गम नहीं लेकिन मेरी पावड़िया पेंजा
और मेरे माता पिता प्यासे लग रही है, उनको पानी पिला दे। पानी पिलाने के बाद में मारा मरबा की खबर सुना दीजिए। दशरथ गया, खड़क खड़क पावड़िया बोदरी। माता पिता मन में सोच रिया कि श्रवण की माँ श्रवण आ चुक्यो। माता पिता बोलिया, बेटा जब तक तू मुख नहीं बोलेगा जब तक एक बूंद भी नहीं पिएंगे। काई कहूं मेरी बहन लाडली माँ से कयो नहीं जाई। मारा बाण से श्रवण मर गयो गेरो दुखड़ो आई। या सुनता है फैली माता पिता कावड़ से नीचे गिर गए। जैसे जल के बिना मच्छी तड़पे ऐसे अंधे अंधे माता पिता रो रहे। अरे दशरथ तूने अच्छा नहीं किया, अंधे की लाकड़ी को तूने खत्म कर दिया। बता हमारे पुत्र की लाश कहां पर है। शरण की लाश के पास में अंधे अंधे को ले गया दशरथ। माता पिता शरण की लाश को लेके चंदन की लकड़ी का सड़ा बना दिया। शरण के माता पिता शरण को लेकर के बैठ गए। बिजली कड़की, सड़ा पे आई। एकदम सड़ा जड़ने लगा, उनके काया जड़ने लगी। तो माता पिता क्या श्राप देते हैं। एक दिन राजा तू मरे लो सुन साचा समाचार। राजा सुन साचा समाचार। एक दिन राजा तू मरे लो सुन साचा समाचार। चार बेटा के माई नैसु, चार बेटा के माई नैसु, कोई को न होता थारे पास। बनी मैं बेरने प्यार से लगी। होने हार पुर बल है करनी मत कर सोच विचार। आत्म भारती कथा सुनाई वारे श्रवण लाल। तोड़ो पानी पिला दे मारा लाल। बनी मैं बेरने प्यार से लगे। ये रिकॉर्डिंग श्री कृष्णा झूला झूले 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 नंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्री कृष्णा, गायक आत्माराम भारती और ढोलकी का साथ दे रहे हमारे धर्मराज जी और पेड़ का साथ दे रहे हैं जगदीश जी। बहुत बड़ी कृपा हो गई। सुमरण करो रे कटे पाप का नाश। राम नाम के सुने सुनो रे कटे पाप का नाश। श्री कृष्णा स्टूडियो देखो हो गई जय जयकार। श्री कृष्णा स्टूडियो देखो हो रही जय जयकार। करो पानी पिला दे मारा लाल। बनी मैं बेरने भगवान की। बोलो रामचंद्र भगवान की।